राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अगले अध्याय में आपने देखा, जब हिरण्याक्ष का आतंक अत्यधिक बढ़ जाता है, वह स्वर्ग पर ही अपना अधिकार स्थापित नहीं करता बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर रसातल में छुपा देता है। तब पृथ्वीवासी और देवताओं की करुणा भरी पुकार को सुनकर श्री हरि विष्णु अपने पार्षद जो पृथ्वी लोक पर रण्याक्ष के रूप में उथल पुथल मचाए था, उसके उद्धार हेतु वह देवता और पृथ्वीवासियों के भय को दूर करने के लिए श्री हरि वराह अवतार लेकर शक्तिशाली दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अपने भ्राता के वध का समाचार सुन हिरण्याकश्यप क्रोधित हो जाता है और अपने प्रिय भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए योजना बनाता है, परंतु शारीरिक रूप से देवताओं से युद्ध में समझ न होने के कारण हिरण्याकश्यप मौके की तलाश करता हुआ राजकाज में लग जाता है। वह राजकाज में लग तो जाता है, परंतु उसके दिमाग में एक ही बात बार-बार खटकती है कि उस परम शस्त्र विष्णु को मारकर अपने भाई की मौत का बदला कैसे लिया जाए। उसने अपने समस्त राज में घोषणा करवा दी, जितने भी विष्णु के मंदिर हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए और समस्त विष्णु भक्तों को मार दिया जाए। जब से वराह रूपी भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध किया था, तभी से हिरण्यकश्यप का चित्त क्षुब्ध हो गया था। वह इतना भयभीत था कि जब मेरे से अधिक शक्तिशाली मेरे भाई का वध विष्णु कर सकता है, तो मुझे कभी भी वह मार सकता है। यही कारण था देवताओं के आक्रमण व उपद्रव करने पर भी वह शांत रहता था, क्योंकि वह इस बात को भली प्रकार जानता था कि अभी यदि मैं देवताओं से युद्ध करूंगा तो निश्चय ही मेरी पराजय होगी, क्योंकि उस विष्णु का सहयोग पाकर देवता और अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। यही बात सोच सोच कर उसे नींद नहीं आती। एक दिन रात का समय था, उसकी परम सती पत्नी उसके पास आती है, लेकिन वह पहले की भांति सावधान नहीं था। तब कयादु हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, इस रात्रि के समय सभी चिंताओं से मुक्त होकर आनंद की निद्रा में लीन है। हे भगवान, ऐसी कौन सी बात है जो आप रात्रि में बैठकर विचार करने में मग्न हैं? तब अपनी पत्नी की बात को सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, हे सुभागे, अवश्य स्त्रियों के सामने किसी भी रहस्य को प्रकट नहीं करना चाहिए, किंतु जिस विषय के लिए मैं चिंतित हूँ उस चिंता से तुम्हारा भी संबंध जुड़ा है, अतः मैं अपने मन की बात अवश्य ही तुम्हें बताऊंगा। हे प्राण प्रिय, जब से वराह रूप धारण कर उस विष्णु ने मेरे भ्राता का वध किया है, तब से देवताओं का उत्साह देखते ही बनता है। अनेकों बार देवताओं ने मेरे समक्ष ऐसे प्रसंग छेड़े कि मैं उत्तेजित होकर युद्ध करूं, परंतु परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण मैं युद्ध को टालता आ रहा हूँ। ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तब कयादु अपने प्राण पति से बोली, हे स्वामी, आपका विचार यथार्थ है। शत्रुता विशेषतः जब अपने ही भाइयों से हो तो विषय सावधानी की अत्यधिक आवश्यकता हो जाती है। अतः आप मेरे पिताजी की सम्मति से दानवी सेना एकत्रित कर देवताओं पर एक बार फिर से आतंक जमाएं और फिर अवसर का लाभ उठाकर संधि कर लें जो स्थायी हो। ऐसा करने से दैत्य कुल का भय सदा के लिए खत्म हो जाएगा और आपकी चिंता भी। हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय पत्नी की बात को सुनकर बोला, हे सुभागे, आपकी बातें नीत युक्त और विचारणीय हैं, किंतु इस समय देवता अत्यधिक उत्साह में हैं, अतः यदि हमने अभी उनसे युद्ध किया तो यह हमारे लिए अपकीर्त कर होगा, और अपकीर्त से बचना है तो अभी हमें चुप बैठना होगा। हमें मरने का भय नहीं, परंतु अपने भाई की मृत्यु का बदला लिए बिना हम वीरगति को प्राप्त हो गए तो अपने भाई को दिया गया वचन अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि पहले ब्रह्मा महादेव को प्रसन्न करूंगा और फिर अमृत्व का वरदान प्राप्त कर इन देवताओं और पक्षपाती विष्णु को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। अतः मैं तपस्या से निवृत्त होकर घर लौटूं, तब
तब तक तू मेरी अनुपस्थिति में अपने पुत्रों और योग्य मंत्रियों की सहायता से शासन सूत्र चलाना। तब कयाधु अपने प्राणपति से बोली, हे स्वामी, आपका क्षण भर का वियोग मुझे सहन नहीं है, परंतु सारे असुर कुल के हित के लिए मैं तथा मेरे पुत्र आपकी आज्ञा अनुसार शासन भार को संभाल लेंगे। आप चिंता न करें, हमें पूरा विश्वास है भगवान शंकर हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। अपनी पत्नी कयाधु की बात को सुनकर दैत्यराज अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह अपने मंत्रियों और पुत्रों को बुलाकर मंत्रणा की और सर्व सिद्ध कारक मुहूर्त दिखवाकर कैलाश पर्वत की यात्रा करते समय अनेकों अमंगलकारी अपशगुन आकाश और पृथ्वी में होने लगे। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों ने यात्रा टालने का आग्रह किया, परंतु दैत्यराज ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने थोड़े से अनुचरों को साथ लेकर अपने पुत्र और योग मंत्री व पत्नी को राज्य का कार्यभार सौंप कर कैलाश शिखर की ओर चल दिया और पहुंचते ही घोर तपस्या में लीन हो गया। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या का समाचार देवताओं को पता चलता है कि हिरण्यकश्यप युद्ध में हमें पराजित करने के लिए घोर तप कर रहा है, यह सुन देवताओं के होश उड़ जाते हैं और सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और अपनी समस्या से ब्रह्मा जी को अवगत कराते हैं। सारी बात को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं को अपने अपने स्थान पर लौटने की आज्ञा देते हैं और आश्वासन देते हैं कि शीघ्र ही हम तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। देवताओं के चले जाने पर ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं। तभी महर्षि नारद जी वहां उपस्थित होते हैं और पूजनीय पिता के चरणों की वंदना करते हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि आप किस चिंता में लीन हैं? क्या आप दैत्यराज की तपस्या भंग करना चाहते हैं? यदि चिंता का विषय यही है तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी जाकर अनायास ही तपस्या से उसे विरक्त किए देता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से आज्ञा ले महर्षि नारद विदा होते हैं। मार्ग में पर्वत मुनि को साथ लेते हैं और अपनी सिद्धि के प्रभाव से कलंबिक पंछी का रूप धारण कर वे वहां गए जहां दैत्यराज हिरण्यकश्यप घोर तप कर रहा था और जाकर ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करने लगे। जब नारायण शब्द की गूंज दैत्यराज के कानों में पड़ी तो उनका ध्यान भंग हो गया, परंतु फिर से चित्त को शांत कर तप में लीन हो गया। अब तो दोनों पंछियों ने दैत्यराज के समीप जाकर ओम नमो नारायणाय की रट लगा ली। ऐसे दैत्यराज का संयम भंग हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इससे पूर्व वह बाण चलाता दोनों पंछी वहां से उड़ गए। अब तो दैत्य के क्रोध का पराभव न रहा, वह तपस्या छोड़कर घर लौट आया। उसका मनोरथ पूर्ण होने पर वह उदास था। उसकी तपस्या अधूरी होने के कारण उसका मन राज काज में नहीं लग रहा था। वह उदास मन अपने सहन कक्ष में लेटा था, तभी उसकी पतिव्रता पत्नी वहां आती है और प्राणपति को प्रणाम कर आज्ञा लेकर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि हे स्वामी, आप तो चिरकाल के लिए तपस्या करने गए थे, फिर शीघ्र ही लौट आने का क्या कारण? क्या यह मेरे जानने योग्य है? तब हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय पत्नी से बोला, मैंने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों की बात नहीं मानी, यह सब उसी का प्रतिफल है, परंतु कुशलता इस बात की है कि मेरी यात्रा सफल हुई। तब कयाधु अपने पति से बोली, हे स्वामी, क्या तपस्या के लिए आपको उचित स्थान नहीं मिला? तब हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय पत्नी से बोला, नहीं प्रिय, कैलाश पर्वत का शिखर था और मैंने तपस्या भी आरंभ कर दी थी, तभी न जाने कहीं से दो कलंबिक पक्षी आए और ओम नमो नारायणा की रट लगाने लगे। एक बार तो हमने अपना क्रोध संभाल लिया, परंतु जब वे ओम नमो नारायणा की रट लगा कर रह गए तो हमारे संयम का बाण टूट गया और हम धनुष उठाकर पंछियों के उड़ने की दशा में भागने लगे। वो पंछी न जाने कहां विलुप्त हो गए। हमारा क्रोध शांत नहीं हुआ, यही कारण है बिना मनोरथ सिद्ध हुए हम
घर वापस लौट आए। जिस समय दैत्यराज ने ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप किया, उसी समय उसकी प्रिय पत्नी के गर्भ ठहर गया। ओम नमो नारायणा मंत्र के प्रभाव से उस दैत्य के वीर और महारानी कयादु के गर्भ में एक ऐसा परम भागवत जीव जा पहुंचा, जिसके यश को आज भी आस्तिक हो या नास्तिक सभी गाते हैं और अपनी संतानों को प्रहलाद के पग चिन्हों पर चलने में सौभाग्य समझते हैं। प्रहलाद अवश्य पूर्व जन्म के सुकृतों के फल के प्रभाव से दैत्य कुल में उत्पन्न होकर भी सारे आस्तिक संसार के प्रातः स्मरणीय हुए। वस्तुतः उसके गर्भाधान संस्कार उसकी परम भागवतता बढ़ाने एवं प्रसिद्ध बढ़ाने में अधिक सहायक हुआ था। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं, जैसी अभितव्यता वैसी उपजे वृद्धि, अर्थात जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल काटने को मिलती है। प्रहलाद के गर्भाधान के समय ओम नमो नारायणा मंत्र से वह परम भागवत हुए। वहीं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के गर्भाधान की घोर संध्या बेला के फल के अनुरूप दैत्य राज के रूप में वे उत्पन्न हुए। इन उदाहरणों को सुनकर हम अपनी भावी संतानों के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे आगे के वृतांत को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।